अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये हमारे पास पोर्शन है फॉर रेंट, और 450 स्क्वायर यार्ड्स पे काफ़ी बड़ा है ये पोर्शन। ठीक है, ये इसका ड्राइंग डाइनिंग है जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। ये हो गया इसका डाइनिंग रूम, और ये हो गया इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग है ये। ठीक है, इसके अंदर एक वॉशरूम भी अटैच दिया हुआ है। ठीक है, इसका वॉशरूम दिखा देते हैं आपको। ये बेडरूम भी बन सकता है एक तरीके से, अगर एक स्लाइडर आता है इसके अंदर, स्लाइडर रख जाए। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर है तो 3 बेड DD, और एक स्टडी रूम भी है जो मैं अभी अभी दिखाता हूँ आपको। और एक पहले जो लोग रहते थे उन्होंने एक स्लाइडर लगाया हुआ था बीच में। ठीक है, ये रूम बन गया था। सो ये हमारे आ गए हम टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज देख लें इसका, एंड ये हो गया एक रूम जिसे आप रूम बना लें, स्टडी रूम बना लें, क्योंकि इसके अंदर अटैच वॉशरूम नहीं है। ठीक है, बाकी ये आप देख लो, लाउंज हो गया, छोटा सा किचन हो गया। ये बिल्कुल सेपरेट हुआ हुआ है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई पर्दे वाली फैमिली है, गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये बिल्कुल ही सेपरेट है, लाउंज किचन और रूम्स। अच्छा, ये 3 बेडरूम्स आ गए। ठीक है, और तीनों बेडरूम्स का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है। ये पहला बेडरूम हो गया। ठीक है, और हर रूम्स में बड़ी बड़ी विंडोज़ दी हुई हैं, बेसिकली कॉर्नर है ये, तो अच्छा खासा हवादार है। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा स्टोर रूम देख लें। और स्टोर रूम के बाद ये हो गया एक इसका वॉशरूम। ठीक है, रूम साइज अच्छे खासे बड़े हैं इनके, और फोर सीलिंग वगैरह भी हुई हुई है इसके अंदर। एंड देन ये हो गया सेकंड बेडरूम में, लाइट्स कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया सेकंड बेडरूम, और इस रूम का साइज़ भी आप लोग देख लो, ये भी अच्छा खासा बड़ा है। और एक दरवाज़ा जो है ये अपना जो चारों तरफ गली है वहाँ पे खुल रहा है ये। ठीक है, ये इसका वॉशरूम देख लें आप लोग, ये अभी पार्टी ने खाली किया है और रेनोवेशन वगैरह पूरी का चल रही है, इसके बाद पॉलिश वगैरह सब कुछ। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक आध दिन का काम रह गया, वो कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये रूम का साइज़ भी आप लोग देख लो, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये है ए ब्लॉक में। ए ब्लॉक सबसे VIP ब्लॉक है नॉर्थ नाजमाबाद का। ठीक है, और पानी यहाँ पर रोज़ आता है, मीठा पानी, वो चक्कर नहीं है 2 दिन आ रहा है हफ्ते में, ये वाला नहीं है, दो रोज़ आता है। ये हो गया इसका मास्टर बेडरूम। ठीक है, सॉरी, ये हो गया इसका मास्टर बेडरूम, और इसके अंदर भी विंडोज़ आप लोग देख लो, उसके अंदर दी हुई है। ये कबर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ भी कबर्ड्स दी हुई है। और ये हो गया इसका वॉशरूम, ये हो गया तीसरा बेडरूम। ठीक है, वो जो हमने सबसे पहले देखा था जिसके अंदर वॉशरूम नहीं था, वो आप स्टडी रूम बना लें या बेडरूम बना लें अगर एक्स्ट्रा बेड की नीड है। बाकी स्टोर हो गया, 3 बेड हो गए, एक रूम हो गया। ठीक है, सब कुछ तो देख ही लिया है। और इसका एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रूम के साइजेस देख लें दोबारा, फिर वॉशिंग एरिया दिखाते हैं इसका। ये लाउंज इन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, किचन का भी रेनोवेशन वगैरह थोड़ी बहुत चल रही है इसकी। ठीक है, और ये फोर सेलिंग वगैरह इन्होंने यहाँ पर भी की हुई है। ठीक है, ये हो गया इसका वॉशिंग एरिया, मीटर सेपरेट है इसके, रेंट जो है वो इसका। अच्छा, ये गली है, ये दो एंट्रेंसेस है इसकी ना, सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस है, दो हैं, एक यहाँ से भी हो गई, ये चारों तरफ गली घूम रही है। ऊपर वाला से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उन्होंने ग्रिल लगा के सेपरेट किया हुआ है, अभी वो भी दिखा देता हूँ कैसे है। ये चौथी स्टडी रूम देख लें दोबारा, ये ड्राइंग डाइनिंग देख लें। ठीक है, यहाँ से एंट्रेंस हो गई मेन, ये ड्राइंग रूम बना लें, और वो हो गया डाइनिंग रूम जिसके अंदर वॉशरूम, ये एक एंट्रेंस यहाँ से हो गई बड़ी एंट्रेंस। ठीक है, और ये पूरी गली है चारों तरफ जो घूम रही है, वो सामने देख लें ग्रिल है, वो ऊपर वालों का रास्ता है वहाँ से, वो सेपरेट है। और रेंट इसका जो है वो ज़्यादा दिया 1.2 है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह डिटेल से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।